हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर। आज हम आए हैं लगेज बिजनेस के पे, जहां पे आप अपना लगेज बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्या प्रॉफिट मार्जिन आपको लेकर चलना पड़ेगा, कितने थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या सेल्स एंड मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस इंटरव्यू सेशन में। तो आप अगर लगेज बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस इंटरव्यू सेशन में जरूर देखें और मिलते हैं इस इंटरव्यू सेशन के बाद। तब के लिए धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। दोस्तों, अगर आप सूटकेस का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट रख के करना पड़ेगा, क्या प्रॉफिट मार्जिन आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्या सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपने आप को ब्रांड बनाकर ग्रोथ कर सकें, तो ऐसी ही सक्सेस स्टोरी हम आज कवर करेंगे जिसके थ्रू इन्होंने अपने बिजनेस को स्टेबलाइज किया और एक नहीं, दो नहीं, तीन शॉप के ऊपर इन्होंने कहते हैं अपने आपको कहते हैं इन कुछ 12 से 13 सालों में आप लोग को ब्रांड बनाकर कहते हैं इस पूरे बैडन भर में आपको स्टेबलाइज किया। तो इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हैं जिसके थ्रू आप अपने लगेज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? ओके ओके, अपना पूरा नाम बताना चाहेंगे सर? वसीम अख्तर। ओके ओके, तो आपके दुकान का क्या नाम है सर? आर इंटरप्राइजेस। ओके, तो ये आर इंटरप्राइजेस का ये पूरा लगेज का ही बिजनेस है कि और किस चीज का बिजनेस है? ओनली फॉर लगेज। लगेज के लिए है। तो आपने ये दुकान कब स्टार्ट की थी लगेज के लिए? 2005 में आपने स्टार्ट की थी। ओके ओके, तो मुझे लगता है उस समय तो कोई ऐसा कोई प्लेयर होगा नहीं लगेज का, आपने ही स्टार्ट की। अभी उस समय तो कोई नहीं था। ओके, तो आपने कितने मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो चालू की थी अपना, जैसे लोगों ने अगर कुछ पूंजी अपना लगाते हैं इंटीरियर बनाने के लिए? 5000 से ये बिजनेस स्टार्ट किया। ओके ओके, फर्स्ट जो परचेज किया 5000 से मैं परचेज किया था। 35000 से। तो आपका ये पूरा इंटीरियर का दुकान का लेकर आप लगेज का लेकर ये सारी चीज़ आप बता रहे हैं? नहीं नहीं, ओनली फॉर बिजनेस। अच्छा, आपके बिजनेस के लिए बता रहे हैं। स्टॉक का जो स्टॉक लिया था, तो क्या आपने डीलरशिप या फ्रेंचाइजी ली थी? नहीं, उस समय कुछ नहीं लिया। उस समय कुछ नहीं लिया था, उस समय नॉर्मली आपने कितने सूटकेस का कितने बिजनेस स्टार्ट किया था लगेज के थ्रू? पुराना फर्नीचर वगैरह को ही इस्तेमाल करते थे क्योंकि पूंजी कम थी। ओके ओके, पुराना फर्नीचर को स्टेबल करके मतलब 3000 रुपये लगा करके उसको वेल स्टैब्लिश करके ओके अपने से खुद से पेंट वेंट कर सकते हैं। ओके ओके, तो पैसा यहाँ से बच जाए। अच्छा अच्छा, तो सर आपने 2005 से स्टार्ट किया, 2021 चल रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ी, क्या क्या चीज़ें कितने हैं आपको? अभी देखे 2008 में मंदी आई थी, फिर 2016 में कितने नोटबंदी थी, फिर सर GST आया, फिर सर कोरोना आया, तो क्या मार्केट में आपको क्या अप डाउन देखने को मिला इस समय? जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। ओके, जब फर्स्ट दुकान बंद करो ना उसको। हाँ सर, जी तो फर्स्ट जब स्टार्ट मैंने बिजनेस किया था तब एक महीना तक तो कुछ सेल भी नहीं हुआ, एक महीने में बैठा रह गया। मतलब एक महीने के आपका उतना, क्योंकि हर कोई दुकान धीरे धीरे कस्टमर्स आने शुरू हो गए हैं, बातचीत लोगों से हुआ, मतलब धीरे धीरे आपने अपना मार्केट में पहचान बनाई। जी, पहचान बनाया। ओके, लगभग साल भर तक तो बहुत बिजनेस में कठिनाई हुई। ओके, तो आप बताना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर अगर कोई सूटकेस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो 2021 में उसको कितनी पूंजी से स्टार्ट करनी पड़ेगी कि अपना दुकान भी स्टेबलाइज कर ले, लगेज में माल भी रख सके, तो कितनी पूंजी आज के समय में आपको उसके रखनी पड़ेगी? देखिए, हर बिजनेस में पूंजी तो लगता ही है। ठीक है, लेकिन पूंजी से बड़ी चीज़ है कि अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। ओके, सबसे बड़ा सक्सेस वही है। ओके, बिजनेस का सबसे बड़ा सक्सेस वही है कि अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। पूंजी तो लगता ही है, लेकिन कम पूंजी में भी अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। ओके, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा समय से हर चीज़, और ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, अगर ईमानदारी रहेगी तो सारा कुछ आसान हो जाएगा। ओके, तो कस्टमर से भी आप मतलब ईमानदारी से काम करेंगे तो एक बार आएगा दोबारा, माउथ टू माउथ जो है प्रमोशन होता रहेगा, प्रमोशन होता रहेगा। तो आप बेसिकली किस पर फोकस करते हैं सर? बहुत लोग कहते हैं अपने क्वालिटी पर फोकस करते हैं, कुछ लोग डिस्काउंट पर फोकस करते हैं, मैं डिस्काउंट दूंगा अगर 20% तो लोग आएंगे। हर चीज़ में मार्जिन का एक सिस्टम है, उस मार्जिन लेके ही चलना पड़ेगा, बिना मार्जिन के काम नहीं होता। ओके, सबसे बड़ा चीज़ है कि महंगा सामान भले हो लेकिन अगर अच्छा क्वालिटी है तो वो आगे का रास्ता बनाता है। अगर अच्छा चीज दिए माल कस्टमर रिपीट होते हैं, कस्टमर बेस्ट क्वालिटी सामान ही भेजना चाहिए मेरे हिसाब से, हल्का सामान नहीं भेजना चाहिए। आपको अगर बिजनेस में सक्सेस लाना है
तो हल्का सामान बिल्कुल ही नहीं भेजना चाहिए, अच्छा सामान भेजिए। ओके, मार्जिन कम रखिए, लोगों को ज्यादा मतलब कि आएंगे आपको दुकान पे, दोबारा आएंगे। तो हाँ, तो मान लीजिए कोई बिजनेस करता है, कोई बोलेगा हम 40% बिजनेस करेंगे, अगर उसको 25% में लाए और अच्छे से करे उसको, तो ज्यादा ज्यादा कस्टमर आएंगे, ज्यादा बेचेगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना होगा उसका। ओके सर, तो सर कितने इससे क्या है कि बिजनेस बढ़ता ही है, ज्यादा कस्टमर मिलेगा, अधिक कस्टमर रहेगा तो अधिक माल जाएगा। ओके, कम मुनाफा ज्यादा अगर कस्टमर रहेंगे तो प्रॉफिट तो आपको रहेगा। हाँ, और मार्केट भी बढ़ता है कि चलो इनके दुकान में सामान सही मिलता है। तो सर कितने जैसे कि अलग अलग बिजनेस में अलग प्रॉफिट मार्जिन रहता है, किसी में 20% रहता है, किसी में 30% रहता है, किसी में 15 से 20%। तो ये लगेज वाले बिजनेस में कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो आप बता सकते हैं कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है इसमें? 20% प्रॉफिट मार्जिन तो लेके चलना ही पड़ेगा। 20 से 30। आपने जब स्टार्ट किया था तो क्या मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की थी? जैसे लोग प्रमोशन करते हैं, कोई पैम्फलेट छापता है, या कुछ टीवी में प्रमोशन करते हैं, या कहते कुछ पोस्टर लगवाता है, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी कस्टमर आपके दुकान पे आए, आपको जाने, कोई स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की उस समय? हाँ, उस समय मैंने एक बहुत सिंपल सा एक एड दिया था कि अपने लगेज को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ करवाएं। एक पैम्फलेट छपवाए थे और कॉलोनी वगैरह बंटवाए थे, उससे ये बेनिफिट हुआ कि लोग जानने लगे कि मतलब क्या है, और किसी को भी अगर कोई बोलेगा कि भाई हमारा सबके स्क्रीन बनना तो चलो एक बार देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। और मैंने काम भी किया और उससे काफ़ी प्रचार हुआ, उसके बाद जो है कस्टमर धीरे धीरे जुड़ने। ओके, जैसे मैं देख रहा हूँ सर कि आपके VIP का कितने आपने फ्रेंचाइजी लेकर रखी है, फ्रेंचाइजी लेकर रखी है, और भी कितनी कंपनी की भी लेकर रखी है, और अमेरिकन टूरिस्टर, लगभग ब्रांड में सारे ब्रांड का मैंने काम किया है और कर रहा हूँ। तो शुरू में जब स्टार्ट किया था, आपने डिटेल स्टार्ट किया था, कोई भी ब्रांडेड नहीं था, मतलब नॉर्मली आप छुटके छुटा के ब्रांडेड ही बेचे हैं, शुरू में भी ब्रांडेड लेकिन होलसेलर से लेते थे, होलसेलर से। उसके बाद जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता गया, खुद कंपनी वाले ही हमारे पास आकर हमसे जुड़े और अपना बिजनेस मतलब कि स्टार्ट किया। तो अभी सर बता सकते हैं किसमें अधिक, अभी स्टार्ट करना चाहते हैं किसमें प्रॉफिट मार्जिन अधिक है? मैं कितने सीधे फ्रेंचाइजी ले लूँ किसी का, या कितने मैं आपको रिटेल से उठाऊँ, कितने उससे अधिक प्रॉफिट? मेरे समझ से तो बिजनेस में फ्रेंचाइजीज भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप मल्टी ब्रांड रखें, मल्टी ब्रांड रेट अपने डिटेल से, सभी कंपनियों में अच्छा खराब हर तरह का सामान मिलता है, बेस्ट क्वालिटी का, और कस्टमर भी रहते हैं अलग अलग प्रकार के रहते हैं, मुझे इसके चाहिए सफारी के चाहिए, मुझे VIP के चाहिए, अलग अलग रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको डिमांड आप फुलफिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हर कंपनी का हर चीज़ अच्छा नहीं होता, किसी का ये अच्छा है किसी का, लेकिन आप मल्टी ब्रांड अगर करेंगे तो आप जो जिसका अच्छा है उसको आप रख कर कस्टमर को समझा सकते हैं। ओके, उससे मतलब अच्छा रहता है, और अपने से मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको हम अगर अपने से पहले उसको मायना करें कि क्या है क्वालिटी इसका, फिर उसके बाद वो कस्टमर तक दे मतलब पहुंचाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, मतलब कि हर चीज़ों को पहले आप जो भी प्रोडक्ट है, भाई हम लगेज लाइन से जुड़े तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए और कहाँ पे इसका मतलब कौन सा चीज़ पार्ट्स है जो जल्दी ख़राब हो, या बहुत सब पार्ट्स होता है कि बढ़िया रहता है, बहुत सा हल्का भी रहता है। ओके, तो उसमें मतलब जो बेस्ट क्वालिटी है वो आप परचेज करके और उसका तो अपने शॉप में रखें। जब आपने स्टार्ट किया था, ये बेसिकली कौन सा बाजार सही रहेगा जहाँ से अगर कोई स्टार्ट करना चाहे वो वहाँ से मंगाए तो उनको फायदा मिले? कलकत्ता कोई बम्बई से मंगाता है, कोई दिल्ली से मंगाता है, सबसे बेस्ट कहाँ से रहता है? जहाँ बेस्ट देखिए, सबसे बेस्ट होता है आपका नियरेस्ट प्लेस, वो ज्यादा बेस्ट होता है, इसलिए आपका ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम लगेगा। ओके, और सामान भी जल्दी आएगा। ओके, आप दिल्ली से मान लीजिए परचेज कर रहे हैं और वहाँ से चार बार मतलब कि ट्रांजिट में इधर उधर हुआ, मान लीजिए कभी वहाँ से आया दिल्ली से आया तो आपका एक इलाहाबाद आगे रुक गया, वहाँ से फिर दूसरे गाड़ी में लौट हुआ, इसमें क्या है सामान ख़राब होता है, और डायरेक्ट अगर आप छोटे एरिया से लेते हैं माल तो डायरेक्ट आपका आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है, तो इसका कितना आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है। और आजकल तो क्या है सिस्टम है कि जिस स्टेट में है वहीं सभी कंपनियों के ऑफिस रहते हैं। ओके, कंपनी के थ्रू काम करना चाह रहा है। ओके सर, तो ये सूटकेस वाले बिजनेस में सर कितने हैं, अगर मैं जैसे देख लूँगी तो सबका टर्नओवर होता है, जैसे 2005 में आपने चालू किया तो 2006-2007 कुछ टर्नओवर होगा, फिर अभी किस तरीके से टर्नओवर आपको बढ़ रहा है, किस परसेंटेज के हिसाब से, किसी का 30% बढ़ता है, किसी का 40% से बढ़ता है, किसी का टर्नओवर? शुरू में मैंने बिजनेस किया था तो नया नया था, तो उस समय तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, मतलब हर साल डबल हो जाता था, डबल हो जाता था, 3 साल तो ऐसे चला, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें कम होते गया, जैसे आपका 10 लाख हुआ तो फिर 12 लाख का टर्न हुआ, 14 हुआ, 20 हुआ, इस तरह।
ओके तो अभी कोविड-19 का जो कुछ टर्नओवर में कुछ कमी आई है सर? हाँ काफी कमी है। ओके तो अभी कितना चल रहा है? अभी जो हमारा टर्नओवर था उससे लगभग 30% उसमें मतलब डाउन गया। तो लास्ट ईयर कितना टर्नओवर था सर आपका? लास्ट ईयर लगभग 60-70 का था, लगभग 60-70 लाख का था टर्नओवर। ओके तो अगर कोई अगर चालू करना चाहता है सर, आपने बताया कि मैंने एक दुकान चालू की थी, फिर उसका मैंने कहते हैं उसके बाद दूसरा एक्सपेंड किया, फिर तीसरा, वो कैसे कर सकता है सर? वो अपने आप रास्ता मिलते जाता है। आप जब बिजनेस करेंगे वो अच्छा चलता जाएगा, अच्छा चलेगा तो आपका दिमाग भी खुलता जाएगा। ओके और अगर आपका डाउन होगा तो फिर आप खुद ही सोच पड़ जाएंगे भाई उसको कैसे ये किया। हाँ वो सब रास्ता अपने आप बन जाता है। ओके तो अभी आपकी टोटल कितनी शॉप हो गई है सर? हमारी 3 शॉप। 3 शॉप हो गई है। तो अभी फ्यूचर में आपका कोई और प्लानिंग है कि मैं और भी एक्सपेंड करूँ? बिजनेस अच्छा चलेगा तो कर सकते हैं क्या, अलग अलग जगह और भी मैं एक्सपेंड कर, अभी यहाँ पे फिर दूसरे प्रोजेक्ट में चला जाऊँ, वहाँ पे कितने आगे करने का मूड है आपका? बिजनेस है कि रुकेंगे तो फिर आप वहीं रह जाएंगे। ओके बिजनेस में मतलब आपको चलते रहना है, नया नया जैसा जमाना चाह रहा है उस हिसाब से, जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमारे सब्सक्राइबर को आप क्या बताना चाहेंगे, अगर वो स्टार्ट करना चाहें तो उनको क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं मोटिवेशन लेनी चाहिए और किस तरीके से उनको स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह सर्वाइव करना चाहिए मार्केट में, आप उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बहुत सिंपल है, बिजनेस कोई भी कहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो? बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो मैसेज यही है कि लगेज का बिजनेस जी, अगर कम पूंजी है तो उस हिसाब से दुकान उस हिसाब से अपना डेवलप करें कि थोड़ा थोड़ा सामान सब कलेक्शन सब रखें, कलेक्शन सब रखें, हाँ ये नहीं सोचे कि मतलब एक ही ब्रांड से काम चल जाएगा। आपने ग्रोथ पर कैसे फोकस करें सर? ग्रोथ पर फोकस करने के लिए आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, मेन तो क्वालिटी क्वालिटी और प्लस रेट है, क्वालिटी और रेट के लिए जिससे कि कस्टमर आपका रिपीट कर सके और बार बार आए। ओके अच्छे क्वालिटी रहेगा और रेट सही रहेगा तो कस्टमर हमेशा आएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो सर बहुत से बिजनेस में ऐसा रहता है कि शुरू में आपको कहते हैं 5 से 6 महीना 1 साल भर के लिए अपने सर्वाइवल के लिए अपने पास रखना पड़ता है। मान लीजिए आपने बताया गया अगर आपका 10 लाख रहे अभी मिनिमम तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक ना? अगर मैं कहते हैं इसे ये भी मान सकता हूँ कि अगर 5 लाख रुपए अगर एक्स्ट्रा आपको रखनी पड़ेंगे अगर साल भर आपको सर्वाइव करना, तो क्योंकि मार्केट आपने बताया कि शुरू में मेरा भी सामान बिक बिजनेस देखिए, अगर आपके पास जो भी पूंजी है जमा पूंजी है जिस आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे मेन काम आप ये कीजिए कि पहले कम पूंजी से स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए 1 लाख रुपये आपके पास पूंजी है सपोज कर लीजिए, तो आप 40,000 से ही शुरू कीजिए, आप बाकी पैसा सिक्योर रखिए। ओके ओके हाँ उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस नए नए कर रहे हैं तो कस्टमर का टेस्ट आपको पता है, आपको कस्टमर जब आपके पास आएंगे तब आपको टेस्ट पता चलेगा, अपना फीडबैक देगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी मुझे चीज चाहिए। हाँ वो हर जगह का बिजनेस अलग अलग है। अगर मान लीजिए हम इंडस्ट्रियल बिल्ड में बैठे हैं तो यहाँ का बिजनेस का जो कलेक्शन अलग होता है, वही हम अगर रूरल एरिया में चले जाते हैं गांव देहात तो वहाँ पे कम रेंज में चाहिए और एक ही जैसा लोग पसंद करते हैं। अगर गाँव में अगर कोई आदमी कुछ चीज ले लिया तो वो देखा देखी बोलेगा नहीं हमको वही चीज लेना, ये थोड़ा सा रूरल एरिया का टेस्ट है। ओके ओके और तो शहरों में क्या होता है ना कि उसका टेस्ट बदल जाता है, जैसे मान लीजिए पड़ोसी कोई लिया रहे अब वो ऐसा लिया तो हमको थोड़ा सा हट के लेना चाहिए और थोड़ा अच्छा लेना चाहिए ताकि उससे जो है कंपैरिजन थोड़ा सा अलग टाइप से करना चाहते हैं। ओके, ओके। तो अब ये कहना चाहते हैं 60 लाख लगा रहा तो 40 लाख बचा के रखे। एक लाख में जो है ना 40,000 रुपया से बिजनेस स्टार्ट करें, 60 बचा के रखे, 60 बचा के फिर जैसा जो रिक्वायरमेंट हो रहा है उस हिसाब से सामान लाए, कम सामान लाए दिख जाए फिर ले आए, ये नहीं कि पूरा स्टॉक करके रख लिए और अब मालूम है कि कस्टमर उस टेस्ट का आ नहीं रहा तो आपके लिए तो सारा नुकसान हो जाएगा, बिजनेस बंद भी हो सकता है इस वजह से। मतलब कि आपको कितने सर्वाइवल के लिए 40 लगा रहे हैं तो 60 रुपए बचा के रखिए तो आपको सर्वाइवल के लिए भी रहेगा, साल भर के लिए आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरा माल आप एक साथ पूरा परचेज करके ले आए और मालूम है कि कस्टमर का टेस्ट ही अलग है आपका माल भी ऐसे फंसा पड़ा रहेगा। ओके ओके पहले तो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कस्टमर किस टाइप, कस्टमर किस टाइप क्या उसको चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही दूर में कस्टमर का टेस्ट बदल जाता है। ओके 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 इस चीज को मतलब समझना पड़ेगा तभी बिजनेस कर सकते हैं। ओके तो दोस्तों आपको अगर बिजनेस करना है लगेज का
तो आपको सर ने बताया कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको रखनी पड़ेगी, और कितना सर्वाइवल के लिए इनिशियल एक साल के लिए आपको कितने पैसे रखने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें सर ने बताया। उन्होंने अपने 2005 से लेकर 2021 का सफर टोटल शेयर किया, तो सर के लिए थैंक यू। सर ने आपने इतना समय निकाला कीमती कि मुझे दे पाएँ और जितने लोगों को बता पाएँ कि उन्होंने आपकी स्ट्रगल स्टोरी किस तरीके से आपने कवर की है, तो सारी चीज़ें जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू वीडियो के लिए। तब के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सर। बीच बीच में बात कर रहा था, उतना शॉर्टकट वो मैं कट वो